बीएसएफ के पहले महावीर चक्र विजेता और साथियां राजा मोहतम चौकी में मनाया गया। शहीदी समागम और 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के महान शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। की शाम 6 बजे पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे दिखाते हुए भारत पर हमला करने की हिमाकत की थी, जिसमें बहादुरी दिखाते सीमा सुरक्षा बलों ने आर के वधवा समेत और 8 सूबेदारों ने अपने प्राणों की आहुति देते भारत माता की सुरक्षा की देश की अंक की खातिर अपने 8 साथियों समेत मर मिटने वाले कमांडर शहीद आर के वधवा के और साथियों की कुर्बानी को भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत पाक 1971 के युद्ध के दौरान 11 दिसंबर 1971 को सीमा चौकी राजा मोहतम की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सामरिक कारणों से संसार हिल गया था, वो बॉर्डर के ऊपर भी काफी हाई अलर्ट हो गया था। उस दिन उसी कंपनी को मैं कमांड करते हुए यहाँ पे ये महसूस कर रहा था कि 1971 वार में हमारे वीर साथियों ने किस किस दुर्गम चीज़ों का सामना करना पड़ा। इसको रिकैप्चर किया और रिकैप्चर करने के बाद जब उन्हें इस पर काउंटर अटैक हुआ तो किस तरह से इसकी सुरक्षा की, किस तरह से इसको डिफेंड किया, ये कोई वीर आदमी ही, वीर पुरुष ही कर सकता है जो उस समय के इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ने ममडोत में जिन सूबेदारों को कस्बा ममटोट में सतीहत चौकी में सच्ची श्रद्धांजलि देकर आज शहीदी दिवस मनाया गया। इस शहीदी दिवस में बीएसएफ के आईजी महिपाल यादव और डीआईजीटी आर मीना के अलावा शहीद की पारिवारिक मेंबर्स विशेष तौर पर पहुंचे। सुखचैन सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, फिरोजपुर।